अब सही है। हाँ भाई उड़ गया तू भी। गुड मॉर्निंग फ्रॉम तिनसुकिया असम। इससे आगे नहीं सवाल भी यार। फर्स्ट सेकंड व्लॉग है इस साल का एंड आई एम स्टिल इन तिनसुकिया। बताया था मैंने अर्जुन को यार कि चलते हैं कहीं बाहर। आज का भी ब्रेकफास्ट इसी घर में करना है। सोचा था डोंग और अभी भी लेखा पानी में। कोई नहीं इधर ही करेंगे ब्रेकफास्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट आज ब्रेकफास्ट के बाद जाएंगे, अभी तक डेस्टिनेशन कंफर्म नहीं हो पर जहाँ भी जाएंगे ना कसम से बता रहा हूँ नया डेस्टिनेशन होगा और मज़ा आने वाला है। नहीं तो ड्रोन खेलेगा नहीं, ड्रोन खरीदेगा ऊपर उठने वाला। अभी का कार्यक्रम कुछ ऐसा है कि डेस्टिनेशन अपने को मिल गया है, वो है मियाओ जो छोटा सा एक टाउन है अरुणाचल में एंड बहुत ही अमेजिंग है। अभी हमने उसको गूगल पे देखा है, वहाँ पे एक छोटा सा जू भी है, उसको मिनी जू कहा जाता है। चिल्ड्रन नहीं है इसमें, कूलिन का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कल लीक हो गया जिसके भाई से। भाई आज का कार्यक्रम कुछ ऐसा है कि अभी जा रहे हैं मियाओ जो यहाँ से 43 किलोमीटर अप्रोक्स है एंड वहाँ पे एक जू भी है, रिवर साइड भी है और एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी कुछ है। अभी टाइम हो चुका है 10:30 एंड जस्ट निकल रहे हैं राइट। यहाँ पे पीछे पीछे यहाँ पे ऐसे पहले से रैली चल रहा है, रोड ब्लॉक हो गए जहाँ जा रहा है। जो ये रोड है तो हमने चूज़ किया कि विलेज रोड ही चलता है, ये तो नहीं रुकने वाला, हमें तो निकलना पड़ेगा कैसे भी करके। सो हम एक गांव के रोड से होते हुए हम नेशनल हाईवे पकड़ लिया हम लोगों ने। सो नाउ आवर राइड स्टार्ट, लेट्स ऑल वी डू गुड। अभी हम लोग अरुणाचल एंटर कर रहे हैं एंड ये गेट है एंड नाउ वी आर एंटरिंग इनटू अरुणाचल प्रदेश ऑफिशियली। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है यार, बहुत ही अच्छा रोड है एंड आगे जाके चेक करते हैं कैसा है सीन। ओके सो आगे जाके एक बहुत अच्छा जगह है तो हमने सोचा एक छोटा सा वीडियो शूट करते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पे वीडियो शूट करें। सो चेक इट आउट दिस वीडियो। सो हम लोग निकल पड़े वहाँ से अपना डेस्टिनेशन मियाओ के लिए। रैनी करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था, रोड थोड़ा रफ था, ऑफ रोड था, फिर रैनी करने बहुत मज़ा आया क्योंकि हम बहुत दिन बाद राइड करते हैं एंड वी आर ऑल्सो एन्जॉय द वाइब्स ऑफ अरुणाचल। सो एन्जॉय द म्यूजिक ब्रो।
पता नहीं क्या बोल रहा था बट आई एम एंजॉयिंग माई म्यूजिक। सो हम लोग अभी म्याओ पहुंच चुके हैं। ये रोड से क्या है वो टूरिस्ट लॉन्च लॉज है। ये जू कहाँ पे एक्चुअली? जू जू म्याओ जू कहाँ? जू उधर आगे जाके लेफ्ट जा सकते हैं। यहाँ जाके राइट जाना। भाई बैठा ले, तू बैठा ले, दिखा देगा रास्ता। बैठ दो, बैठ बैठ। और क्या चाहिए? सो अभी जस्ट म्याओ जो मिनी जू था वो वहाँ पे पहुँच चुके हैं एंड यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं उसके बाद चलते आगे। यहाँ पे पता चला कि नामदफा नेशनल पार्क भी नज़दीक था, दूर नहीं है। अच्छा इन्फॉर्मेशन सेंटर बंद है क्या अभी सर? मुझे देख के तो लग रहा है काफी। सो अभी अंदर है एंड पहली बार देख रहा हूँ कोई मिनी जू। ऐसा मिनी जू का नाम तो मैंने सुना नहीं था, फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। साइड भी है यार, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है नहीं दिख रहा है पर इसके अंदर एक पाइथन है, एक पाइथन है और साथ में एक छोटा सा चूहा भी है। मुझे लगता है सांप ने चूहे के साथ दोस्ती कर लिया है। वो देखो अब चूहा दिख रहा है आपको, वो देखो चूहा घूम रहा है उधर एंड ये पाइथन यहाँ पे है। ये रहा, कमाल है यार, ऐसी अजीब गरीब दोस्ती मैंने पहली बार देखा है। सही है भाई सही है, अगर ऐसा दोस्ती हो गया ना तो भूखा मर जाएगा ये तो। भाई दोस्ती कर ले इसने लग रहा मुझे। एक्सपेक्ट जितना किया था हम लोगों ने कि बहुत मतलब ग्रीनरी होगा, अच्छा होगा, हेल्दी होगा एनिमल, बट यार आके थोड़ा सा बुरा तो नहीं लग रहा है, पर इनके लिए लग रहा है बुरा यार। कोई नहीं यार, आशा करूँगा कि नेक्स्ट टाइम जब आऊँ तो कुछ चेंजमेंट मिले देखने को। और ये एक बियर, यहाँ पे बियर भी है बता रहे थे, शायद उस साइड होगा बियर। ये भाई यार हिमालयन ब्लैक बियर आपको अरुणाचल में देखने को मिल रहा है, खुश नसीब हो आप लोग जो जू में आ रहे हो। पीछे मिनी जू था एंड वहाँ पे हमें थोड़ा देखा वेगा, उसके बाद थोड़ा सा आगे वॉकिंग जस्ट आई थिंक 200 मीटर होगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है जहाँ से नामदफा नेशनल पार्क के लिए परमिट मिलता है, वहीं पे जा रहे वॉकिंग करते हुए। बाइक हमने वहीं पे पार्क किया जू के सामने, देखते हैं अभी 2:30 का टाइम है ओपनिंग का। मैम वो नामदफा नेशनल पार्क जाने के लिए परमिट चाहिए था, अभी आया नहीं, खाना खाने वेट करता हूँ, तो फिर अंदर बैठ सकते हैं? ये तो बैठिए आप। अभी ऑफिस तो खुला नहीं था बट उन्होंने बोला कि अब 3 बजे तक आ जाओ, वो जो स्टाफ है वो आ जाएंगे तब तक, उसके बाद हमको परमिट मिल जाएगा। सो ये पीछे ऑफिस रहा है मेरे जहाँ पर हम लोग गए थे, तो मैंने सोचा कि उस टाइम को यूटिलाइज कर लेते, तो फिर हम लोग जा रहे हैं अभी कुछ लंच कर लेते, खाना खा लेते बाहर एंड देन उसके बाद आगे परमिट लेके फिर चलते हैं नेशनल पार्क। बहुत ही ब्यूटीफुल घर था यार, बहुत ही ब्यूटीफुल। परमिशन ले, फोटो लिया। चल चल बना ले ना, ऑन है।
अच्छा वो रहा वो रहा। रिसोर्ट रिसोर्ट हाँ ये सीधा ओके थैंक यू। बाइक के अंदर ले जा सकते हैं नहीं जा सकते। यहाँ पे हम रिसोर्ट पे आए अभी जो गाने चले उसमें कॉपरेट लगने वाला है मुझे पता नहीं से हाय तो अभी यहाँ पे हैं एंड जस्ट हमने ऑर्डर किया अभी कुछ मोमोज एंड उसके साथ फ्रेंच फ्राइज एक ब्लैक एक को कॉफ़ी मेरे लिए और इसके थोड़ा सा था थोड़ा सा बिहेवियर जिसके लिए एंड जो व्यू है ना यहाँ से इट्स अमेजिंग व्यू मतलब ये जो रिवर है आई थिंक इट्स दिहिंग रिवर। इसमें दो रिवर है दिहिंग एंड और एक रिवर है जो यहाँ पे दोनों जॉइंट होता है। इट्स अमेजिंग इट्स रियली अमेजिंग मैन यार। क्या ही बोलूं इंस्टा के बारे में, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है फिर भी मैं जोर से बोल रहा हूँ। अंकल को मैंने बताया नहीं कि म्यूजिक बंद कर दो, उनको थोड़ा बुरा लगेगा। हम असम से आए तो फिर इन्होंने इसलिए फेवरेट जुबिन गार्ग का म्यूजिक चला है हमारे लिए हम लोगों के लिए एंड बहुत अच्छा वेलकमिंग जगह है कि पीछे मेरे पीछे ये रिजॉर्ट है मतलब रिजॉर्ट तो नहीं है एक हट है एक रेस्टोरेंट टाइप है और ये यहाँ पर सिटिंग एरिया है। अमेजिंग है बहुत ही मस्त है क्या व्यू है अमेजिंग। ये रात सनसेट हो रहा है अमेजिंग। तो ये भैया जो हमारे लिए हम जैसे आए एंटर किया इन्होंने हमारे लिए स्पेशली जुबिन गार्ग का गाना लगाया एंड बहुत अच्छा लगा मुझे इनका जो वेलकमिंग नेचर है वो हॉस्पिटलिटी बहुत बढ़िया है। पीपल्स आर रियली अमेजिंग एंड वेरी हेल्पफुल एंड वेरी आई नो इंटरेस्टिंग टू स्पीक टू देम। आई एम ऑनर्ड एंड हाईली प्रिविलेज्ड यू टू यूज नाम तो आपका नवज्योति क्लासिक एंड लाइक अर्जुन छेत्री। सो दोनों का नमस्कार करते हुए और हमारा असम अरुणाचल का जितने भी फ्रेंडशिप नॉट देन होल इंडिया या वील वी आर हियर और छोटा मोटा जगह है एंड लाइक मैं दोनों पोल वर्कर्स का सेक्रेटरी बिलोंग करता हूँ यहाँ से और अच्छा लगा आप लोग यूट्यूबर्स ऐसे करके एक्सप्लोर कर रहे हैं ना क्योंकि जान रहा है खान पान और ये फिर एक दूसरे को मतलब ना पहचानने का जो काम कर रहा है क्योंकि आप लोग ये जोड़ने का काम कर रहे हैं तो जो भी हो मैंने शुरुआत से मैं ही सुन रहा था जुबिन गार्ग का गाना ही सुन रहा था। सो जुबिन दा आई लव यू टेक केयर आपका हेल्थ को टेकेट कीजिए। यू आर अ जेम फॉर अ नोटिस दे एंड आई लव छोटा मोटा जगह से बोल रहा हूँ आई लव यू मोर देन कोई भी नहीं होगा। कितना हो गया 670 कैफे ना। सो इस कैफे का नाम है रिवर कैफे यू कैन कम एंड चेक इट आउट द कैफे। सो अभी निकलते हैं पास भी लेना है नांदा फॉर नेशनल पार्क के लिए। लेट्स सी ऑफिस अगर खुल गया तो ले लेंगे एंड देन वी विल गो। दोबारा आ चुके ऑफिस में पहले आए थे 2:30 बजे तब बुलाओ अभी है नहीं स्टाफ तो भी यहाँ अभी आ गए। चलो चेक आउट कैमरे की बैटरी भी खत्म होने अभी तो ऊपर जा रहे सो फिगर द परमिट फाइनली फॉर नामदफा नेशनल पार्क एंड परमिट कल के लिए ले लिया आज तो नहीं हो पाया क्योंकि इट विल टेक 1 आवर। सो हमने कल निकल रहे कल सुबह
अभी तो फिर वही रिटर्न टू लेखा पानी एंड देन कल एक नया डेस्टिनेशन होगा. विल ट्राई, हम ट्राई तो करेंगे जाने के लिए नेशनल पार्क जितना भी हो सके, क्योंकि यार अगर वहाँ नहीं गए ना तो फिर एक वो रह जाएगा कि वहाँ नहीं गए थे परमिट लेने के बाद भी. अभी क्या करना है, अभी चल, अभी लेखा भी नहीं चल रहे वापस एंड रात को चिल थोड़ा सा रेस्ट करते कल के लिए. कल इसका बर्थडे भी है, देखते सुबह क्या प्लान किया है आंटी ने. अगर प्लान सुबह है तो अच्छी बात है, हम करके निकल जाएंगे. एंड अभी जस्ट डायरेक्ट हेड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स लेखा वानी. तो बस अभी टाइम हो रहा है लगभग 7:20. तो हमें हम लोग सुबह निकले थे अराउंड 7:30 बजे, 7:30 बजे निकले थे सुबह. और हमारा प्लान था म्याओ जाने का, पर म्याओ हम वहाँ पे गए और उसके बाद हमें ये भी पता चला कि वहाँ से नामदफा नेशनल पार्क के लिए परमिट लेना हमने ले लिया हो, वो अभी इस बैग में. और प्लान तो था जाने का पर हुआ नहीं क्योंकि रात हो गया था. उसके बाद हमने ये प्लान किया कल जाएंगे. और आज का जो था वो म्याओ था, तो वापस हम लेखा पानी आ चुके हैं अभी. आज का ट्रिप अच्छा रहा. और तो फिर कल पता नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं पता, पर है कोशिश करेंगे नामदफा नेशनल पार्क जाने के लिए. और आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं. सो प्लीज़ वॉच माई वीडियोज़, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़ एज मच एज यू कैन. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. करना पड़ता है.